बड़ी खबर आपको बता दें, जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और साथ ही साथ ये लिखा कि किस तरीके से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। और उन्होंने अपने ट्वीट में एक बार फिर से दोहराया कि बीजेपी और एनडीए पूरी तरह तैयार है और हम 400 पार होंगे क्योंकि हमने विकास के काम किए हैं और जनता ने बीते 10 सालों में उन विकास के कामों को देखा। और विपक्ष पर भी प्रहार किया और विपक्ष को लेकर ये कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है विपक्ष, और इसीलिए जनता भी जानती है और आने वाले चुनावों में जनता जरूर जवाब देगी। दक्कन फतेह के लिए निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिन में दूसरी बार गेटवे ऑफ साउथ के नाम से मशहूर तेलंगाना पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री इस बार 400 प्लस का नारा बुलंद कर चुके हैं और प्रधानमंत्री के इस नारे को दक्षिण की 129 सीटें हकीकत में तब्दील कर सकती है। और इसीलिए पीएम साउथ के 5 राज्यों को फतेह करने के लिए धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। और मोदी ने 129 सीटों के तिलसिम को भेदने वाले 120 घंटे के प्लान को एक्टिवेट कर दिया है। मोदी का मिशन दक्षिण, दक्कन फतेह को निकले मोदी, साउथ की चाबी खोलेगी 400 सीटों का ताला। तेलंगाना के लोगों ने मोदी को फिर से वापस लेने का फैसला सुना दिया है। तेलंगाना भी कह रहा है तीसरी बार कभी रैली, कभी रोड शो, और हर जगह मोदी के चेहरे पर दिखता 400 सीटों वाला आत्मविश्वास। दक्षिण भारत में प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का धुआंधार दौरा शुरू हो चुका है। पीएम मोदी दक्षिण भारत के 5 बड़े राज्यों तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर है। इन 5 राज्यों में 129 सीटें हैं और पीएम मोदी 120 घंटे में 129 सीटों को कवर कर लेंगे। लोकसभा तारीखों के ऐलान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण में अपने चुनाव प्रचार अभियान का बिगुल फूंक दिया। दक्षिण बीजेपी के लिए उम्मीद का सबसे बड़ा द्वार है। अगर ये खुला तो बड़ी आसानी से बीजेपी 400 प्लस सीटों का आंकड़ा पार कर लेगी। पीएम मोदी आज तेलंगाना में थे, इसलिए सियासी प्रत्यंचा चढ़ाकर जुबानी बाण से सत्ताधारी कांग्रेस और पूर्व सत्ताधारी दल बीआरएस पर निशाना साधा। कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया है। और अब तो मुश्किल ये है कि यहां कांग्रेस के पंजे का कब्जा हो गया है। पहले बीआरएस की महालूट और अब कांग्रेस की बुरी नजर। प्रधानमंत्री 15 मार्च से लेकर 19 मार्च तक दक्षिण के सियासी गढ़ में बीजेपी का कमल खिलाने के मिशन पर हैं। ये मिशन आसान नहीं है क्योंकि कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी को अभी तक सिर्फ तेलंगाना में थोड़ी सियासी ऑक्सीजन मिल पाई है। यही वजह है कि सिर्फ 10 दिनों में दूसरी बार पीएम मोदी तेलंगाना पहुंचे हैं। 400 पार के मिशन को साधने के लिए पीएम मोदी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी और पीएम मोदी की इस कोशिश से साफ है कि इस बार 129 सीटों वाला दक्षिण बीजेपी के लिए कितना अहम है। बीते चुनाव में बीजेपी को इनमें से 29 सीटें ही मिली थी, जिनमें कर्नाटक में 25 और तेलंगाना की 4 सीटें शामिल थी। दक्षिण के बाकी राज्यों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था।
अब बीजेपी के अपने 370 और एनडीए के 400 पार के मिशन का दारोमदार दक्षिण भारत पर टिका है। इसके साथ ही बीजेपी को देश के बाकी हिस्से में अपनी ताकत बरकरार रखनी होगी। प्रधानमंत्री ने 15 मार्च को केरल और तमिलनाडु में सभाएं की और तेलंगाना में रोड शो किया। 16 मार्च को पीएम ने तेलंगाना के नगर कुरनूल में रैली की और जनता के सामने अपने 10 सालों का लेखा जोखा दिया। लेकिन पिछले 10 वर्षों में पहली बार गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट खुले, पहली बार करोड़ों गरीबों को पक्के मकान का सुख मिला, पहली बार गरीब को टॉयलेट, नल से जल, बिजली का कनेक्शन, मुफ्त वैक्सीनेशन, ऐसी अनेक सुविधाएं गरीब के घर तक पहुंची। पहली बार लाखों गांवों ने रात में बिजली का उजाला देखा। 2024 में बीजेपी को अपना प्रदर्शन कितना बेहतर करना होगा साउथ में, इसे समझने के लिए 2019 के चुनावी नतीजे समझिए। पीएम ने केरल से अपने मिशन साउथ की शुरुआत की, उसके बाद तमिलनाडु गए। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, वहीं वोट भी सिर्फ 4% मिले थे। केरल में 20 सीटें हैं, यहां भी बीजेपी का खाता नहीं खुला, लेकिन वोट 13% आए। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, यहां बीजेपी के हिस्से में 4 सीटें आई और वोट भी 20% मिले थे। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं, 2019 में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली और वोट भी सिर्फ 1% था। यानी साउथ के सभी राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन बीजेपी का आंध्र प्रदेश में रहा, लेकिन कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटों में से 25 सीटें जीतकर 2019 में बीजेपी ने आंध्र, केरल और तमिलनाडु की कसर पूरी कर दी। लेकिन इस बार तो पीएम मोदी ने टारगेट ही 400 प्लस का रखा है और इसके लिए जीरो से काम नहीं चलेगा। सीटों के नंबर बढ़ाने होंगे और सीटों के नंबर तभी बढ़ेंगे जब वोट बढ़ेंगे। अब हम दक्षिण के 5 राज्यों में सभी पार्टियों की स्थिति सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। साल 2014 में बीजेपी को तमिलनाडु में 1 सीट मिली थी और 6% वोट मिले थे। साल 2019 में सीट भी घट गई और वोट भी। ऐसा इसलिए क्योंकि 2014 में AIADMK के साथ बीजेपी का गठबंधन था। AIADMK को 37 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 में AIADMK का भी सफाया हो गया, वोट शेयर भी 45-19% पर पहुंच गया। वहीं कांग्रेस और डीएमके का 2014 में खाता नहीं खुला था, लेकिन 2019 में बाजी पलट गई, कांग्रेस को 8 और डीएमके को 24% वोट मिले। अब देखिए केरल की तस्वीर। 2014 और 2019 दोनों ही चुनाव में बीजेपी का खाता नहीं खुला, लेकिन वोट 10% से 13% हो गए। वहीं कांग्रेस को 2014 में 8 सीटें मिली थी, 2019 में 15 सीट हो गई, वोट प्रतिशत में भी 6% का इजाफा हुआ। वहीं CPIM 2014 के मुकाबले 2019 में सीटों के लिहाज से नुकसान में रही। केरल के बाद आपको दिखाते हैं तेलंगाना का हाल। साल 2014 में बीजेपी को 1 सीट मिली थी और 10% वोट मिले थे, लेकिन 2019 में बीजेपी को 20% वोट मिले थे और 4 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस को 2014 में 2 सीटें मिली थी और 2019 में 3 सीटें मिले, वोट भी 5% बढ़ गए। इस बार तो विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की है, तो उसे तेलंगाना से इस बार ज्यादा ही उम्मीद है। रही बात PRS की, तो उसे 2014 में 11 सीट मिली थी और 2019 में 9 सीटें मिली थी। राज्य में PRS की सत्ता जा चुकी है, हालात कुछ अच्छे नहीं दिख रहे। इसी तरह आंध्र प्रदेश में 2014 में बीजेपी को 2 सीट मिली थी और 9% वोट मिले थे, लेकिन 2019 में सिर्फ 1% वोट मिला और सीट आई 0। 2014 में बीजेपी को इसलिए फायदा हुआ था क्योंकि TDP के साथ मिलकर उसने चुनाव लड़ा था, लेकिन 2019 में दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़े, दोनों को नुकसान हुआ। TDP 15 सीट से 3 सीट पर खिसक गई, हालांकि उसका वोट 11% बढ़ा। वहीं कांग्रेस की हालत लगातार खराब हो रही है, 12% वोट से 2% वोट पर आ गई है कांग्रेस। और YSR कांग्रेस 2014 में 8 सीट से 2019 में 22 सीटों पर पहुंच गई है और वोट शेयर भी 50% कर रहा।
दक्षिण में कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव में सबसे ताकतवर दिख रही है। 2014 में बीजेपी को 17 सीटें मिली थी और 43% वोट। 2019 में ये आंकड़े बढ़ गए, सीट मिली 25 और वोट 52%। लेकिन कांग्रेस 2014 में 9 सीटों पर थी, जो 2019 में घटकर 1 पर आ गई और जेडीएस 2 सीटों से 1 सीट पर आ गई। इस बार बीजेपी और जेडीएस के बीच गठबंधन है और बीजेपी को उम्मीद है कि एनडीए गठबंधन 25 की 25 सीटें जीत लेगी। प्रधानमंत्री 17 मार्च को आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम बीजेपी जनसेना की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश में एनडीए की रैली को राज्य में सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के खिलाफ 3 दलों के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। मोदी 18 मार्च को तेलंगाना के जगतिया और कर्नाटक के शिमोगा में रैलियों को संबोधित कर सकते हैं और तमिलनाडु के कोयंबटूर में रोड शो करेंगे। मोदी केरल के पलक्कड़ में भी एक रोड शो करेंगे और 19 मार्च को तमिलनाडु के सलेम में एक रैली को संबोधित करेंगे।